सो गाइस, आपको पता है मैं तो बहुत दिन से हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी और बहुत बोरिंग सा लग रहा है। मम्मी स्कूल चली जाती थी, पर हम उस वीक में हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हुई थी। और अब तो गाइस, अब तो हम स्कूल जा रहे हैं और हमारी ऑनलाइन क्लास तो ज़्यादा मज़ा नहीं आता, पर स्कूल में बहुत मज़ा आ रहा था। और गाइस, जब मैं स्कूल गई थी तो मुझे सब मेरा कोई दोस्त नहीं था, सिर्फ मैंने एक दो तीन चार दोस्त बना लिए, फिर बहुत मज़ा आया। फिर गाइस, जब भी हमारा गेम्स पीरियड होता और हमारा ग्राउंड में ना, बताओ क्या क्या होता है? फुटबॉल नहीं होता, वॉलीबॉल नहीं होता, क्रिकेट नहीं होता, और यहाँ तक कि मेरा फेवरेट कुछ ही नहीं था। मेरा फेवरेट फुटबॉल था वो भी नहीं था। और मुझे पता है एक बात जो कि सबसे अच्छी थी, जब मैं फर्स्ट लाइन में गई थी। हाँ, आपको पता है मैं जैसे ही गेम स्पिरिट था मेरा, मैं जा रही थी, मैं हमेशा हमें लाइन से जाते दौड़ने नहीं देती कभी भी। तब भी हम जाते हैं और कहती हूँ मैम हमेशा रूल्स बताती है, इतने दिन गेम स्पिरिट हो गया कि आप बता रूल्स, तो मैम हमेशा बताती है। और कुछ मैम तो कहती है गाइस, मतलब बच्चों हमारा जो है ना, हाँ आपको तो रूट्स बताएंगे क्योंकि फर्स्ट गेम पीरियड में आपको तो पता ही हो ना। सब डिसिप्लिन है ना, और हाँ कोई भी रन नहीं करना है। हाँ, तो सब बच्चे कहते हमें, और मेरे दोस्त बातें करते रहते थे, हमें रूल्स वाले से मालूम थे तो हम ऐसी करते थे। सो गाइस, हमारी सबसे पहले एक एक्टिविटी भी हो रही थी, पर उससे पहले गाइस, हमें आपको तो पता ही होगा हमारा तो फर्स्ट पीरियड हिंदी का ही होता है। तो हिंदी पीरियड में हमारी वो हमारी मैम है, तो हमारी क्लास टीचर है। और सबसे बताओ इंटरेस्टिंग बात बताओ क्या है, उसमें ही रेटिंग टेस्ट का था। और मुझे तो ज़्यादा उम्मीद नहीं है कि मेरे अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और देखा तो बिल्कुल नहीं आएंगे। सेकंड या थर्ड या सेकंड या फर्स्ट ही आना मुझे, तो ये मेरी उम्मीद है। और हमारे सबसे सेकंड पीरियड में आया है हमारी इविस एक्टिविटी। मैं घर से सामान लग रहा थी, ब्रेड जैम का, ब्रेड का सैंडविच का। मैम ने कहा था कि हम स्कूल में सैंडविच बनाएंगे, वो ऐसा सैंडविचेगा जो टोस्टर में होता है स्टिक से गरम, वो सैंडविच ऐसा जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, जैसे ब्रेड से बोलो इसमें टमाटर प्याज सॉस जैम की डाल, फिर वो बटर वगैरह खा ले, ऐसा वाला सैंडविच। और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आया गाइस। अभी मैं आप सबको हिंदी के कविता सुनाने वाली हूँ। शीशे के बता दी वो क्या है गाइस, क्या लगी डाली, कोशिश कर हल निकलेगा, अभी बता दिया। ओ हाँ, वहाँ पर मैं तीन चार बात कह रही है, प्लीज़ लाइक कर देना मेरे चैनल को, सपोर्ट करना अगर किसी ने लाइक और शेयर सब्सक्राइब किया तो गाइस कर देना। बहुत मतलब मैं जो भी करूँगी देखते कुछ नहीं करूँगी। बाय बाय। फर्स्ट डे को एक चोटी बनाई, सेकंड डे को दो चोटी, आज है सेकंड डे, और थर्ड डे को मैं तो लगाऊंगी तीन चोटी, यहाँ पर एक है, और फोर्थ डे को एक दो तीन चार। ओके, कैसा रहा आपका सेकंड डे? अच्छा। अच्छा रहा? कुछ सीखा? हाँ सब कुछ। चलो फिर, चलो अंदर आ जाओ। चलो
हेलो दोस्तों, हेलो गाइस, गाइस मैं आपको आज सब एक पोएम सुनाने वाली हूँ जिसका शीर्षक है कोशिश कर हल निकलेगा। अजीब है ना गाइस, तब भी तो इसका शीर्षक है कोशिश कर हल निकलेगा। और हमें इस कविता से ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर कोई भी मुश्किल आ जाए, कोई भी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। और मेरी कविता कुछ इस प्रकार है, कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा, अर्जुन ते तीर सासा मरुस्थल से भी जल निकल मरुस्थल से भी जल निकलेगा। मेहनत कर पौधों को पानी दे, मेहनत कर पौधों को पानी दे, फल बंजर जमीन से भी फल निकले, बंजर जमीन से भी फल निकलेगा। हाथ हिम्मत जुटा मेहनत को आग दे, हिम्मत जुटा मेहनत को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में खुशियों को, जिंदा रख दिल में खुशियों को, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा, समुंदर से भी गंगा जल निकलेगा।